नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक कौन सा होता है, कैसे हम बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक लंबी रेस का घोड़ा चाहिए, आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जो लंबी रेस का घोड़ा हो, जो हर रास्ते पर चल सके, ठीक है, ऐसा घोड़ा आपको चाहिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि आज आप कोई इन्फोसिस का शेयर खरीद लो और उसे सीधे 20 साल के बाद में बेचो, इस तरीके का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ये नहीं कि आपने कोई शेयर आज खरीद लिया, आपने कोई मारुति कंपनी का शेयर खरीद लिया और आप बोल रहे हो कि सीधे मैं उसे 20 साल के बाद में बेचूंगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप भले ही कर रहे हो, भले ही आप, ये भी हो सकता है कि आज आप इन्फोसिस खरीदो उसे 20 साल के बाद में ही बेचो, वो तो बहुत अच्छी बात रहेंगी, बट दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स बदलते रहते हैं। आज भले ही इन्फोसिस अच्छा शेयर है तो मैं आज इन्फोसिस को खरीद भी लूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बट उसे खरीदने के बाद में समय समय पर मैं रिव्यू करूँगा, मैं हर 6 महीने में, साल भरे में या 6 महीने में ही मैं हर बार देखूँगा कि इन्फोसिस के फंडामेंटल्स वैसे ही बने हुए हैं या नहीं है, या इन्फोसिस के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं। तो इन्फोसिस को मैं अपने पोर्टफोलियो में तब तक ही रखूँगा जब तक इन्फोसिस परफॉर्म कर रहा है, जब तक इन्फोसिस में दम है तब तक ही मैं इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। जिस दिन इन्फोसिस का दम निकल जाएगा उस दिन मैं इन्फोसिस को भी अपने पोर्टफोलियो से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पैसा कमाने आया हूँ, मैं कोई शेयर से यहाँ पे प्यार करने नहीं आया हूँ। शेयर से लगाव, शेयर से प्यार एक इन्वेस्टर की कमजोरी है, तो हमें शेयर को सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूज़ करना चाहिए, पैसे कमाकर उस शेयर को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो आए हैं पैसे कमाने के लिए आए हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भले ही आप शेयर खरीदो बट समय समय पर उसको रिव्यू जरूर करिए, और अगर वो रिव्यू में फेल हो रहा है तो उस शेयर को बाहर निकालिए। तो दोस्तों हमें समय समय पर रिव्यू जरूर करना चाहिए, और रिव्यू करके ये पता करना है आपको कि आपके पोर्टफोलियो में जो जो शेयर हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, तो इट्स ओके, आप बने रह सकते हो उन शेयर के साथ में। बट अगर वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्यों खराब परफॉर्म कर रहे हैं उसका रीज़न आपको फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से शेयर अगर खराब परफॉर्म करता है तो उसके दो रीज़न होते हैं, मुख्य दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो टेम्प्ररी प्रॉब्लम, दूसरा होता है परमानेंट प्रॉब्लम। अब टेम्प्ररी प्रॉब्लम के कुछ एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट, अब एक साल में कंपनी के 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते, तो एक दो क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ सकते हैं कंपनी के, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं, ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको शेयर बेच के बाहर निकलना नहीं है हड़बड़ाते हुए, ठीक है। दूसरा और एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल हो सकता है कि कंपनी की गोडाउन में आग लग जाना, ठीक है। अब ये स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, तो इनके गोडाउन में अगर आग भी लग गई तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लोग अपने गोडाउन वगैरह का फायर इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। तो गोडाउन में आग भी लग गई तो सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, ठीक है, सारा पैसा उनका रिकवर हो जाएगा, तो उनका कुछ नुकसान एज सच होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, सडन फॉल आ सकता है उस कंपनी के शेयर में, सडनली शेयर का प्राइस गिर सकता है, बट हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे तो हमें इस न्यूज़ पे शेयर को बेच के बाहर निकलना नहीं चाहिए। इसके अलावा और एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल हो सकता है कंपनी के मालिक की डेथ हो जाना। अब जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके जो मालिक है उनकी कभी ना कभी तो डेथ होने वाली है, बट इसका यह मतलब तो नहीं कि उनकी डेथ होने के बाद में उनकी कंपनी बंद हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े लेवल पे ये लोग अपनी कंपनी को चला रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हमारी डेथ होगी और हमारी डेथ के बाद में कंपनी कैसे चलाना है, उसकी पूरी वो फील्डिंग सेट करके जाते हैं। आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई थी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सडन फॉल आया था, बहुत ज़्यादा शेयर गिर गया था, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मुकेश अंबानी जी ने संभाल लिया, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो कंपनी डूबती नहीं है, कंपनी चलते रहती है उनकी डेथ के बाद में भी, तो उससे भी हमें घबराना नहीं है। तो ये हो गए टेम्प्ररी प्रॉब्लम के कुछ एग्जांपल। अगर ये इस तरीके की चीज़ें हो रही है कंपनी में तो इससे हमें घबराना नहीं है, आप बने रह सकते हो शेयर में। बट कंपनी में अगर परमानेंट प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वहाँ से आपको शेयर को बेच के बाहर निकल जाना, और तुरंत बेच के बाहर निकल जाना है, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अब ये परमानेंट प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? परमानेंट प्रॉब्लम मतलब कोई कंपनी में घोटाला हो जाना, स्कैम हो जाना, बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशन हो जाना। तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग वाले मामले अगर हो रहे हैं तो वहाँ से आपको तुरंत बाहर निकल जाना है, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, शेयर में फंस सकते हो। जैसे कि DHFL में हमने देखा, यस बैंक में हमने देखा, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे थे बट जो समझदार लोग थे उन्होंने DHFL यस बैंक बेच के बाहर निकल गए, ठीक है, वो बच गए।
बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन्होंने उनके सामने शेयर गिर रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, बैड न्यूज़ आ रही है, तो भी वो लोग शेयर को बेचे नहीं और वहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, आज भी इन्फोसिस सॉरी आज भी यस बैंक और DHFL उनके पोर्टफोलियो में है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, इसीलिए समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए। और उसमें अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आ रही है किसी भी कंपनी में और अगर वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो उसे तुरंत बेच के बाहर निकलना चाहिए और दूसरा शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक है, हम क्यों एक ही शेयर को पकड़ के रखते हैं, अलग अलग शेयर हम ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड भी होना चाहिए, हर सेक्टर के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, कि ये कैसे शेयर चुन सकते हैं जो हमारा लॉन्ग टर्म में साथ दे सकता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस में हज़ारों बातें होती है देखने के लिए, हज़ारों नंबर्स होते हैं देखने के लिए, हज़ारों रेशियोज़ होते हैं देखने के लिए, आप क्या क्या देखोगे। ठीक है, एक आम आदमी के लिए सारी चीज़ें देखना और सारी चीज़ों की स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया हूँ और आपको सिर्फ 3 नंबर देखना है। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसमें अगर आप ये 3 नंबर भी देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा वो कंपनी अच्छी है। मतलब ये बैलेंस शीट आपको देखना है और बैलेंस शीट के अंदर में 3 नंबर आपको देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैलेंस शीट आपको कहाँ से मिलेंगी। बैलेंस शीट आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप बैलेंस शीट देख सकते हो किसी भी कंपनी की, या फिर BSE इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पर भी कंपनी बैलेंस शीट अपलोड है, तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मतलब नेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट में ये देखना है, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करना है, किसी भी कंपनी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको चेक करना है, उसका जो सेल्स है उसको देखना है, सेल्स को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, सेल्स को हम इनकम भी बोल सकते हैं। तो पिछले 5 साल की सेल्स देखिए कंपनी की, क्या उसमें ग्रोथ है क्या, मतलब जो सेल्स का नंबर है वो बढ़ता हुआ क्रम में है क्या, मतलब हर साल वो उसका जो चार्ट है वो बढ़ रहा है या फिर स्टेबल है। अगर स्टेबल भी है तो चल जाएगा, बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा नंबर आपको देखना है प्रॉफिट्स का, कंपनी का पिछले साल 5 साल का प्रॉफिट कैसा है, बढ़ते हुए ट्रेंड में है या फिर स्टेबल है। स्टेबल है तो भी चल जाएगा, बट बढ़ते हुए ट्रेंड में तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद में तीसरा नंबर आपको देखना है डिविडेंड, कंपनी रेगुलर बेसिस पे हर साल डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, ये आपको देखना है। कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए, जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी होती है। कंपनी डिविडेंड कब देती है, कंपनी डिविडेंड तब देती है जब कंपनी को कैश प्रॉफिट मिलता है, कंपनी जब कैश प्रॉफिट बनाती है तभी डिविडेंड आता है, तो इसीलिए डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है। अगर ये तीनों नंबर आपको किसी कंपनी में मिल रहे हैं, मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो भी अप ट्रेंड में है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अप ट्रेंड में है और कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी दे रही है पिछले 5 सालों से, दैट मीन्स वो कंपनी अच्छी है। सिंपल, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर सिलेक्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपको दोस्तों ये भी मुश्किल लगता है कि कौन स्टडी करेगा, ठीक है, कौन कंपनी के बैलेंस शीट देखेगा, कौन उसमें सेल्स के नंबर देखेगा, प्रॉफिट्स के नंबर देखेगा, डिविडेंड के नंबर देखेगा, ठीक है, ये भी अगर आपको मुश्किल लगता है तो फिर बेहतर तरीका आपके लिए ये है कि आप जो Nifty 50 के अंदर में 50 कंपनियाँ या फिर सेंसेक्स के अंदर में जो 30 कंपनियाँ हैं, ठीक है, तो उसमें से कोई भी कंपनी लेके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। उसमें से 10, 12, 15 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में आप लेके रख लीजिए, क्योंकि जो Nifty 50 के अंदर में कंपनियां हैं वो फंडामेंटल्स उनके अच्छे हैं, ठीक है, फंडामेंटल साउंड कंपनी है तभी वो Nifty 50 में हैं, तो वहाँ से कोई भी कंपनी लेके आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ये तरीका आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप एनालिसिस नहीं करना चाहते हो, थोड़ा भी अगर एनालिसिस आप नहीं करना चाहते हो, तो फिर ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दोस्तों अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि पोर्टफोलियो तो आपने बना लिया, बट पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। अगर आप उसे रिव्यू नहीं करोगे तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर में कब कौन यस बैंक निकल जाएगा, कब कौन DHFL निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप फंस जाओगे। इसीलिए पोर्टफोलियो तो बना लिया, बट उसे रिव्यू अगर नहीं करोगे तो फिर आप लॉन्ग टर्म में भी लॉस कर सकते हो, ये भी हो सकता है। इसीलिए देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी है, जो शेयर आपने लेके रखे हैं उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों ये चीज़ होने ही वाली है, अगर आप आज की तारीख में 10 शेयर भी सिलेक्ट कर लोगे ना, अच्छे टॉप शेयर भी सिलेक्ट कर लोगे अपने पोर्टफोलियो में अच्छे, आज तो उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, 10 शेयर अगर आप लेके रखोगे फंडामेंटल, तो उसमें से एक दो खराब निकलने ही वाले हैं, ये होने ही वाला है और ये होता ही है। इसीलिए हमें पोर्टफोलियो को रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं और आज जैसे फंडामेंटल उससे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें हमेशा नज़र रखना है, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो पोर्टफोलियो है, उसमें नज़र रखना है कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है, और उस हिसाब से हम लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अच्छे शेयर हमेशा हमें अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर ही रखना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा सेंसेक्स में भी जो कंपनियाँ हैं, 30 कंपनियाँ हमेशा रहती है, बट 30 कंपनियाँ हमेशा सेम नहीं रहती है, वो बदलते रहती है। निफ्टी के अंदर में भी जो 50 कंपनी वो हमेशा सेम नहीं रहती है, बदलते रहती है। क्या होता है कि अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, उनका जो एक पैरामीटर्स है, ठीक है, उस पैरामीटर्स पे कंपनी जब खरी उतरती है तभी वो सेंसेक्स और निफ्टी में जाती है, ठीक है।
और जाने के बाद में भी उसका जो पैरामीटर्स उसको मेंटेन रखना पड़ता है। अगर वो कंपनी मेंटेन नहीं रख रही अपने पैरामीटर्स को तो कंपनी वहाँ से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी कुछ कंपनी के पैरामीटर्स बनाना पड़ेगा। वो पैरामीटर्स पे कंपनी मेंटेन रहना चाहिए, अगर मेंटेन नहीं है तो आपको अपने पोर्टफोलियो से उसको बाहर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन नंबर आपको देखना जरूरी है, प्रॉफिट्स का नंबर, सेल्स का नंबर और डिविडेंड का नंबर। ये तीन नंबर के बेसिस पे आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ के निकाल सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और वहाँ से अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।